गांव में अहमद बेली नेमा भाई की घर के पीछे हिस्से में ईंटों के ढेर में कोई सांप है। दोस्तों सांप कौन सा है, बाहर निकल के सांप के बारे में कुछ जानकारी दें। लोग गए ना आया भाई दोस्तों शांति रखो। दोस्तों यही सांप को इंग्लिश में कॉमन सेंड बोआ नान में सांप है, बिना जहर वाला सांप है। यही सांप को मिट्टी में रहने वाला सांप बोला जाता है। दोस्तों नान में सांप है, यही सांप को जब खतर लगे तो यही सांप भी काट सकते हैं। दोस्तों सांपों को मारे नहीं, सांपों से सावधान रखे, सांपों से दूरी बनाए रखे। दोस्तों यही सांप आपको लगता है कि वो जहरीला सांप है, दोस्तों नान में सांप है, बिना जहर वाला सांप है। दोस्तों गुजरात में यही सांप को बमफोड़ी नाम से पहचाना जाता है। इंग्लिश में नाम है कॉमन सेंड बोआ। दोस्तों यही सांप को पर्यावरण में फॉरेस्ट एरिया में आजाद कर देंगी। दोस्तों आपको लगता है कि सांप जहरीला है, बिल्कुल जहरीला नहीं है, नान में सांप है। यही सांप मिट्टी में रहने वाला सांप है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। आज बनकर अमृत भाई लेबा भाई के घर के पीछे हिस्से में ईंटों के ढेर में यही सांप कॉमन सेंड बोआ छुपा था। यही सांप को रेस्क्यू कर यही पर्यावरण में फॉरेस्ट एरिया में आजाद करने के लिए आए हैं। दोस्तों नाने में सांप है, गुजरात में बमफोड़ी हिंदी में ये चिट्टी, कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में चिट्टी वाला सांप भी बोला जाता है। दोस्तों अंग्रेजी में कॉमन सेंड बोआ नाम से पहचाना जाता है। दोस्तों नान वेर में सांप है, यही सांप को यही पर्यावरण में आजाद करने के लिए आया। दोस्तों यही सांप ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी वाली जगह पे ये ज़्यादा पसंद करता है। दोस्तों इसीलिए यही आजाद करने के लिए आए। दोस्तों सांपों को मारे नहीं, सांपों से सावधान रहे,
दोस्तों यही सांप पर्यावरण में आजाद कर दिया है दोस्तों, ताकि अपना भोजन पानी यही जगह पे मिल सके, इसीलिए पानी वाला एरिया पसंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो।